Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 53 for that topic, some basic principles and techniques of the organic chemistry. Now, we have been learning regarding the reaction mechanism part, and in that, these articles will be very, very important. Earlier, we have studied types of bond breaking, homolytic, heterolytic. Then we have studied types of reagents, nucleophilic, electrophilic. Now we have to learn regarding the electron displacement effects in the covalent bonds. One is the inductive effect. So many times the reaction mechanism depends upon the inductive effect, or that reactions are caused due to the inductive effect. We shall learn what is meant by inductive effect. For that purpose, you should know that a covalent bond is formed between two atoms. समझो दो एटम्स है, कार्बन है, क्लोरीन है. देन कार्बन हैज गिवन वन इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन हैज गिवन वन इलेक्ट्रॉन, एंड देन दे हैव शेयर्ड दिस इलेक्ट्रॉन पेयर. ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया गया है, ये बात ध्यान में रखो. दैट पर्टिकुलरली दिस इलेक्ट्रॉन हैज बीन शेयर्ड, वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फ्रॉम कार्बन, वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन, दैट हैज बीन शेयर्ड. And this is known as the shared pair of electron. And that type of the bond is known as what? Covalent bond. इसे हम covalent bond कहते हैं. ये तो बिल्कुल आपने 10th में भी learn किया होगा. Okay. Now what is covalent bond? I am saying you a bond which is formed by sharing of one unpaired electron each by two atoms, and shared pair of the electrons is kept कॉमन इन बिटवीन द टू एटम्स. अब जब बॉन्ड बनता है, ये पार्टनरशिप वाला बिजनेस हो गया. ये दो पार्टनर्स आ गए, उन्होंने कहा हम इक्वल पार्टनरशिप करेंगे, मैं जितना अमाउंट दूंगा उतना ही अमाउंट आप भी दे दो. वन हैज गिवन 1 लाख रुपीज, अदर हैज गिवन 1 लाख रुपीज. 2 लाख में जो भी बिजनेस चालू होता है चालू कर दिया. सो वॉट आर द रूल्स देन? कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहता है? दैट दे should share all the profit and losses equally. जो भी profit हो जाएगा या जो भी loss हो जाएगा, दोनों partners को equal में लेना पड़ेगा. This is called as covalent. Remember. और दूसरा ionic bond क्या होता है? जहां पे electron pair पूरी donate की गई है, वो तो gifting हो गया. Isn't it? When electron pair is completely transferred, और इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड बाय सोडियम टू क्लोरीन, तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये होगा आयनिक बॉन्ड. ओके, या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड. यहां पे क्या किया गया है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन पेयर हैज बीन कंप्लीटली डोनेटेड, टोटली डोनेट किया. हम जब डोनेट करते हैं किसको, तो वापिस मांगते हैं क्या कि भाई मैंने आपको बस देखो एक गिफ्ट दिया था, वो पेन बहुत ही अच्छा बढ़िया है, तो मुझे वापिस कर दो. ऐसा कभी कहेंगे क्या? बिल्कुल नेवर. वंस द गिफ्ट इज गिवन, इट इज गिवन. और दूसरी बात यह है, जो भी गिफ्ट देते हैं तो, और जो भी गिफ्ट हमें मिलता है, वो खुशी से हमने स्वीकार करना चाहिए. उसके बारे में हम उसको अगर कुछ व्हाट इज दैट, वी विल मेक द वैल्यूएशन ऑफ दैट. ये बहुत ही हल्की चीज उन्होंने हमें डोनेट की है या गिफ्ट दी है, तो इसलिए नाराजगी जताई, तो वो गलत है. गिफ्ट इज ए गिफ्ट, वो हैप्पीली स्वीकार करो उसका. तो ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है? व्हेन इट इज गिफ्टेड. और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? व्हेन केप्ट इन द व्हाट इज दैट, शेयरिंग. वेरी सिंपल. अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे होता है. इफ द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सच एटम्स हु आर हैविंग इक्वल अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर, देन इट बिकम्स नॉन पोलर. जैसा मैं कहता हूं सी एच बॉन्ड है, ये कार्बन और हाइड्रोजन बिल्कुल दोनों बहुत ही सज्जन कहेंगे हम उसको, ऐसे लोग हैं, दोनों बिल्कुल रूल्स को मानने वाले हैं. सो वेन एवर सच बॉन्ड इज फॉर्म देयर, देन देर इज नो मूवमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर, नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. ओके, ये शेयर पेयर बिल्कुल इक्वली दोनों ने शेयर की होगी, एंड सच बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज नॉन पोलर.
तो इसे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, यानी नो चार्ज सेपरेशन, दोनों भी खुशी खुशी वहां पे रह रहे हैं। अगर उनका नहीं जमता है तो वो बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, वो कौन सा बॉन्ड होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होमोलिसिस। अब यहां पे क्या, बिकॉज देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नियरली सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स इटसेल्फ, दोनों की सेम है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहां पे CCl बॉन्ड अगर देखते हैं तो दोनों के नेचर में बहुत ही डिफरेंस है। वेयर एज क्लोरीन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज नॉट दैट मच, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी पुल्ड बाय द क्लोरीन टूवर्ड्स इटसेल्फ मोर एंड कार्बन विल बी हेल्पलेस। बाद में पछतावा हो जाएगा कार्बन को कि यार इसके साथ क्यों बॉन्ड किया मैंने, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के मेरा नुकसान कर रहा है। सो अगर उसका इलेक्ट्रॉन उसने लिया, ठीक है, ये पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है, यानी दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी यूटिलाइज बाय दिस क्लोरीन मैक्सिमम। और इतना क्लोरीन क्लेवर है, इट विल नॉट ब्रेक दैट बॉन्ड। If both electrons are taken, then bond will be broken. वो bond तो नहीं break करेगा, isn't it? But it will make a harassment of the carbon by pulling the electron pair towards itself. यानी carbon कुछ बोल भी नहीं सकता, हाँ एक बार complaint किया तो ठीक है भाई, अभी अभी थोड़ी देर मेरे पास रहेंगे electron density, बाद में तुझको दे दूंगा, ऐसा कुछ तो भी उसको वो बोल देगा। But bond will not be broken. रियली कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो पार्टनरशिप करते टाइम ये बहुत अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। ओके कई बार क्या आता है, दो दोस्त बोलते हैं यार ये सीईटी वाले जो बुक्स है, नीट वाले जेड वाले बहुत ही कॉस्टली है, 1000 में जा रहा है सेट, 2000 में जा रहा है, 3000 में, हम दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन में ले लेते हैं। अच्छी बात है, जरूर ले लो। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन में ले लिया बुक, तो एक आधा जो थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला होता है वो क्या करता है, अपने खुद के पास ही रख लेता है, दूसरे को हाँ कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, लाइक दैट। वो कैसा बर्ताव है, दैट इज रॉन्ग। अगर दो बुक्स आपने लिए है कॉन्ट्रीब्यूशन में, तो बिल्कुल उसको एक्सचेंज करते जाओ। अगर तीन बुक्स लेने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, डेफिनेटली यू सर्च अनदर पार्टनर, तीन पार्टनर्स में आप ले लो, और एक फिजिक्स पढ़ रहा है तो दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी, एक्सचेंज करते जाओ, वो अच्छी पार्टनरशिप होगी। पर ये वैसा नहीं होता, एंड नाउ दैट्स व्हाई क्लोरीन विल पुल द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, विल गेट डेल्टा माइनस चार्ज, कार्बन विल गेट डेल्टा प्लस चार्ज, डेल्टा यानी पार्शियल, पार्शियल चार्जेस विल बी फॉर्म देयर, एंड सच ए बॉन्ड विल बी नाउ कॉल्ड एज पोलर बॉन्ड। ओके, एंड सच मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज शोन बाय दिस एरो, and that is called as the bond polarity. अब देखो कार्बन के चेन में जब आता है, एग्जाम्पल मैं ले लूंगा CH3CH2Cl का, यानी इथाइल क्लोराइड। अब यहां पर क्या हो गया है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड विल पुल द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स इट सेल्फ, सो क्लोरीन विल गेट डेल्टा प्लस चार्ज, एंड दिस कार्बन विल गेट सपोज that delta, sorry, I have put wrong charge there, delta minus y, chlorine will get delta minus, वहाँ पे लिखा है, why it will get delta minus, because electron density is pulled towards itself, and this carbon will get delta plus charge, okay, अब देखो मजा क्या आता है, bond polarity has been developed in the CCl bond, ये sigma bond के electron pair उधर जाते हैं, क्लोरीन के पास, क्लोरीन हैज गॉट नेगेटिव चार्ज पार्शियल बिकॉज बॉन्ड इज नॉट कंप्लीटली ब्रोकन, इफ द इलेक्ट्रॉन पेयर वुड बी टेकन कंप्लीटली फुल नेगेटिव चार्ज, बट थोड़ा खींच के रखा है इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन को आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नाउ द इफेक्ट विल पास ऑन दिस रिलेशन ऑल्सो, नाउ एज दिस कार्बन हैज गॉट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वो उसे लगता है यार मैं अकेला क्यों सफर हो जाऊं, नो लेट अस टेक दिस इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन कार्बन वन एंड कार्बन टू, ये नंबर वन का कार्बन है, ये नंबर टू का, वन का किसको बोल रहा हूं मैं, विच इज अटैच डायरेक्टली टू द
that chlorine. So this is number one carbon, this is number two carbon. Okay, so this carbon number one will pull the electron pair towards this itself there, will try to reduce this charge something, and then we will get DD plus charge on it. Okay, ये D plus charge पूरा तो खत्म नहीं हो जाएगा, पर थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा उसका जो दुख है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा, क्योंकि the power of pulling electron what chlorine is having, the same is not there to this carbon. But anyhow, जितना भी हो सकता है उतना खींच लिया, and it has got positive charge partial, तो दूसरे नंबर के कार्बन को DD plus charge मैं लिख रहा हूं, वो थोड़ा कम होगा. Remember that DD plus charge will be less than D plus charge. Okay? और ये अगर आगे चेन चला गया तो और कम 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 होता जाएगा, एंड आफ्टर थ्री बॉन्ड्स इट विल वैनिश, क्योंकि कार्बन की वैसे नियत ही नहीं है दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेने की, तो दे आर नॉट गॉट दैट मच एबिलिटी टू पुल द इलेक्ट्रॉन पेयर, बट स्टिल अप टू थ्री एटम्स थ्री बॉन्ड्स इट विल बी देयर, उसके बाद में वो वैनिश हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा इफेक्ट. एंड सच ए इफेक्ट वेयर द displacement or the polarity gets developed in a sigma bond, in a sigma bond, ये sigma bond कहते हैं covalent bond को, due to adjacent polar bond, due to adjacent polar bond is called inductive effect. Induction यानी एक से दूसरे को संसर्ग जिसको हम कहते हैं लागण जलापन. Okay, that एक से सीख कर दूसरा, दूसरे से सीख कर तीसरा, या ऐसा जो पास ऑन हो जाता है, that is known as inductive effect. So this is called as inductive effect. Try to learn very very properly. When a polarity gets developed in a sigma bond due to adjacent polar bond, ये polar bond हो गया carbon chlorine का, कैसे हो गया मैंने यहाँ पे explain किया है. When a polarity gets developed in a sigma bond due to adjacent polar bond, it is called as the inductive effect. In carbon compounds, particularly single bonded जो है sigma bond, वहां पे ये effect दिखेगा. In the sigma bond, covalent bond, and that will vanish after three carbon in the chain. तीन carbon के बाद में वो कम 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 होता जाएगा और vanish हो जाएगा. So try to learn this very properly. In the next video, we shall learn regarding the what I will say, that is the what is that types of inductive effect. उसके positive inductive effect और negative inductive effect दोनों भी हम देखेंगे next video में. I am confident that you have definitely understood this part. We shall meet again in the next lecture. Thanks a lot.